पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के पश्चात भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाए। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके पश्चात भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदय तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, क्योंकि ये दिन गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों पर्वों में इन्हें पूजा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार पूरा दिन, जो कि 30 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा, भद्रा समाप्त होने का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर रहेगा। भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही राखी बांधना अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। भद्रा की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:52 पर हो रही है और भद्रा की समाप्ति 30 अगस्त 2023 की रात को 9:01 पर होगी। यानी कि देखा जाए तो बुधवार को ही भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात में प्रदोष काल में ही रहेगा। दोस्तों, बात करें राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की, तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात 9:00 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 की रहेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा में राखी बांधने से सदैव घर परिवार का विनाश ही होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन 2 पड़ रही है, तो इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही, यानी कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 से पहले भी राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बस ध्यान रखें कि 31 अगस्त को सूर्य उदय होने के पश्चात ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। 31 अगस्त को सूर्य उदय सुबह 5:48 पर हो जाएगा, इसीलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है।